गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 8, विषय हिंदी, व्याकरण। आज हम पाववाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण यहाँ पे सीखेंगे। आज हम व्याकरण में हिंदी में पाववाचक संज्ञा का मेन टॉपिक करेंगे। पाववाचक संज्ञा, सबसे पहले मैं यहाँ पे परिभाषा लिखूँगी। वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं उसे पाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों, हमने यहाँ पे पाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखी। ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि परिभाषा क्या है। परिभाषा से ही हमें समझ में आएगा कि पाववाचक संज्ञा क्या है। वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं उसे पाववाचक संज्ञा कहते हैं। बाल दोस्तों, यहाँ हमें संज्ञा की परिभाषा से ही क्या पता चलता है, वस्तु या स्थान जो किसी भी चीज़ का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, उसके गुण दोष या उसकी अवस्था का आदि का जो बोध कराता हो उसे हम पाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि किसी भी वस्तु का नाम है या किसी भी स्थान या किसी जगह का नाम है, उसके अंदर जो गुण या दोष है वो हमें दिखाई देगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, पाववाचक संज्ञा। अब हम उदाहरण देखेंगे ना, तो उदाहरण से ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हमें पाववाचक संज्ञा क्या है, कि उसके अंदर के स्थान में गुण और दोष कैसे आते हैं, और वो गुण दोष वस्तु या स्थान के पहले तो उसमें नाम होगा और फिर उसके गुण और दोष जो हमें दिखाई देंगे वो होंगी पाववाचक संज्ञा। वो हम उनके उदाहरणों से समझेंगे। जैसे कि ये सवाल आपके एग्जाम्पल्स है, उसकी वाणी में मधुरता है। उसकी वाणी में मधुरता है, मधुरता यहाँ पे हमें क्या मिल गई कि वो मधुर है। उसकी वाणी यानी उसका बोलने का जो है वो वाणी वो बहुत ही मधुर है। तो यहाँ हमें ये समझ में आ गया कि उसकी वाणी जो बोलने की उसकी आवाज़ है वो मधुर है। तो यहाँ पे हमें इसकी मधुरता, उसकी वाणी की मधुरता मिल गई, तो वो क्या हुआ, पाववाचक संज्ञा हुई। तो हम उसको बोलेंगे मधुरता जो है उसका गुण बता रहा है। आज बहुत सर्दी है, तो यहाँ पे सर्दी हमें मिल गया है। सर्दी से हमें पता चल जाता है कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सर्दी तो क्या है, उसका कुछ गुण बता रहा है या दोष बता रहा है ना, कि आज बहुत सर्दी है। तो सर्दी हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें हमारा पाववाचक संज्ञा सर्दी मिल गई। ये हमारे दो उदाहरण हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे अन्य पाववाचक संज्ञा। अब इसमें क्या था कि हमने बताया कि ये गुण और दोष का, अब अन्य पाववाचक संज्ञा हम सीखेंगे कि वो क्या होती हैं। खुशी, गम, दुख, बुढ़ापा, बचपन, ये सारी अन्य पाववाचक संज्ञाएं हैं। आनंद, सर्दी, गर्मी आदि, ये हमारे पाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। खुशी, गम, दुख, बुढ़ापा, बचपन, आनंद, सर्दी, गर्मी आदि, ये जहाँ भी ऐसे शब्द आएंगे ना उनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ भी आ सकता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहुत गम है, तो हम खुशी और गम को अंडरलाइन करके, मुझे बहुत दुख है तो उसको हम दुख को अंडरलाइन करेंगे, बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अच्छी चीज़ नहीं है तो बुढ़ापा हम अंडरलाइन करेंगे, ये बचपन, आनंद, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है, पाववाचक संज्ञाएं हैं, इनको हम अंडरलाइन करेंगे। किसी भी सेंटेंस में आएंगी तो हम इनको अंडरलाइंस करेंगे। बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है और उदाहरण क्या है, यानी और एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि पाववाचक संज्ञा क्या है। पहला, रवि की आवाज़ में मिठास है। मिठास यहाँ पे क्या है कि वो पाववाचक है। सरिता को क्रोध बहुत आता है। क्रोध यानी क्या होता है, उसको गुस्सा बहुत आता है, तो उसको जो गुस्सा आ रहा है वो क्या हुआ, पाववाचक। मोहन एक चापलूस लड़का है। चापलूस है यानी वो क्या हो गया, उसका पाववाचक। सरिता की लंबाई विजय से अधिक है। लंबाई पाववाचक। वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा है।
बचपन से यह बावाचक। कमल कमला से प्रेम करता है, प्रेम उसका गुण बता रहा है तो वह बावाचक। बीमारी के बाद मुझे बहुत थकावट होने लग गई है, थकावट आ गया यहाँ पे तो वो हमारा हो गया बावाचक। रमेश और सुरेश की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर है, ये भी हमारा हो गया बावाचक संज्ञा। उपरोक्त सभी उदाहरणों में मिठास, क्रोध, चापलूस, लंबाई, बचपन, प्रेम, थकावट, दोस्ती इत्यादि शब्दों से किसी न किसी भाव का बोध हो रहा है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। तो हम इन सबको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। हमने पहले भी जो उदाहरण सीखे और अभी हमने जो दूसरे उदाहरण सीखे उनमें हमें क्या मिला? मिठास, क्रोध, चापलूस, लंबाई, बचपन, प्रेम हो, थकावट हो, दोस्ती, ये जिसके भी उनके गुण बताता हो या उनके दोष बता रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। कि उस सेंटेंस के अंदर वो उसका भाव हमें समझा रहा हो तो उन सबको हम उदाहरणों से समझेंगे कि वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा हैं। तो बाल दोस्तों यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि भाववाचक संज्ञा क्या है। हम इन उदाहरणों को लिखेंगे और समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है और उसकी परिभाषा से भी हमें समझ आएगा भाववाचक संज्ञा क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।